कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण विकास जो गरीबी जो है भारत की एक सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें अधिकांश जो निर्धन देशवासी गांव में निवास करते हैं और मूलभूत आवश्यकता सुलभ नहीं हो पाती है। अब गांव में कृषि के जीविकोपार्जन ही एक मुख्य साधन है। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी क्षेत्रों के केंद्रों के विकास से नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से गाँव के विकास और ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का एक केंद्र है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अपने चारों और बड़े उद्योगों और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र से लैस शहरों में प्रगति करते हुए देखते हैं, फिर भी ग्रामीण विकास को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है। इसका उत्तर है कि आज भी भारत जो है गाँव का देश है और भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। इसकी उत्पादकता इतनी कम है कि सबका जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाता है। इसलिए देश की 1/3 जनता अभी भी घोर निर्धनता में रहती है और भारत का वास्तविक उन्नति चाहते हैं और विकास जो है विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा। फिर ग्रामीण विकास का अर्थ, मतलब ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है। ग्रामीण विकास का एक व्यापक शब्द है जिसमें मूलभूत ग्रामीण आवश्यकता घटकों के विकास का ध्यान केंद्रित करते हुए अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए। ग्रामीण विकास के लिए हम ये आवश्यकता है जैसे कि साक्षरता करना, विशेषकर महिलाओं को साक्षर करना, शिक्षा का प्रशिक्षण का विकास करना, स्वास्थ्य जिससे स्वच्छता और जन स्वास्थ्य दोनों शामिल है, फिर भूमि सुधार, प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन साधनों का विकास करना, आधारभूत संरचना का जैसे कि विद्युत, सिंचाई, साख, विपणन, परिवहन सुविधाएं, सड़कों के निर्माण आदि, पोषक सड़कें बनाना, कृषि अनुसंधान विस्तार करना, सूचना प्रसार की सुविधाएं प्रदान करना, फिर निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाकर कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार करना और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना। फिर है कृषि साख। कृषि साख क्या है? सामान्यतः ग्रामीण साख से अभिप्राय उस साख से है जो आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों का अधिकांश निवासी कृषि पर निर्भर है और उनका अर्थ कृषि साख से ही लगाया जाता है, और कृषि साख का अर्थ उस साख से भी है जब यह आवश्यकता है कि बीज, खाद, यंत्र खरीदने और मालगुजारी जैसे कृषि संबंधी अन्य कार्यों के लिए हो सकती है। वित्त की पूर्ति साहूकार, सहकारी साख संस्थाएं, भूमि बैंक और व्यापारिक बैंक, अन्य सरकार और वित्तीय निगमों द्वारा की जाती है। फिर भारत में कृषि वित्त के स्रोत, मतलब हम वित्त की व्यवस्था या फिर धन की व्यवस्था कहाँ से करते हैं। सबसे पहले गैर संस्थागत स्रोत, जिसमें साहूकार तथा महाजन से हम उधार लेकर खेती करते हैं। दूसरा व्यापारी और कमीशन एजेंट, जो व्यापारी वर्ग होता है या कमीशन एजेंट होता है, उनसे भी हम ब्याज में पैसे उठाते हैं और फिर खेती करते हैं। फिर मित्र एवं संबंधी, जो दोस्त या संबंधी होते हैं वे उधारी में कुछ पैसा दे देते हैं, इस तरह से वे कृषि कार्य करते हैं। फिर संस्थागत स्रोत, जो कि सरकारी संस्थाएं हैं वे संस्थागत स्रोत कहलाते हैं, जैसे सहकारी साख समितियां हैं, भूमि बंधक या भूमि विकास बैंक है। भूमि बंधक या भूमि विकास में यह है कि जिन्हें यदि भूमि बंधक में रखा हुआ या गिरवी रखा हुआ है तो भूमि को उठाने के लिए वो पैसे भूमि विकास बैंक से ले सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यापारिक बैंक है, सरकार है, भारतीय स्टेट बैंक है, अग्रणी बैंक योजना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक है, ये सब ही वित्त का व्यवस्था करते हैं और जिससे कि किसान अच्छे से अच्छी खेती कर सके, उन्नत खेती कर सके। फिर भारत में कृषि विपणन की वर्तमान व्यवस्था, गांव में बिक्री, मतलब जो अनाज का उत्पादन करते हैं वे एक तो गांव में बिक्री करते हैं। गांव में कैसे बिक्री करेंगे? जो दुकानदार आएगा या फिर जो मालगुजार आएगा वह गाँव से सामान को खरीद कर ले जाएगा। दूसरा है मेलों में बिक्री, जब मेले लगते हैं तो उसमें जाकर वे अपने सामान को ले जाकर वहाँ पर बेच कर आ जाते हैं। फिर मंडियों में बिक्री, जो स्थायी मंडियां बनाई जाती हैं जगह जगह, वहां पर ले जाकर अपने सामान की बिक्री कर सकते हैं। फिर सहकारी समितियों के माध्यम से बिक्री, जो जगह जगह सहकारी समितियां बनाई गई हैं उनके माध्यम से बिक्री किया जा सकता है। फिर सरकारी खरीद, सरकार भी अपनी जगह जगह पर कृषि उत्पादित वस्तुओं को खरीदने के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पर सरकारी खरीद पर उन्हें बेचा जाता है। फिर फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री, कई बार जैसे आवश्यकता के लिए हमें पैसे चाहिए, वह थोड़ा सा अनाज ले जाकर फुटकर रूप में वह दुकानदार को बेच देता है, उसके बदले में पैसे ले लेता है या फिर उसके बदले में अनाज जो आवश्यकता की वस्तु है वह खरीद लेता है। फिर है कृषि विपणन का अर्थ। सामान्य बोलचाल की भाषा में कृषि विपणन से तात्पर्य कृषक और व्यापारियों के बीच कृषि पदार्थों क्रय विक्रय से लिया जाता है।
किंतु वास्तविक रूप से कृषि विपणन के अंतर्गत कई क्रियाएं सम्मिलित की जाती है, जैसे वैश्वीकरण, प्रमापीकरण, एकत्रीकरण, संरक्षण भी शामिल किया जाता है। जैसे कि थॉमसन के अनुसार कृषि विपणन अध्याय के अंतर्गत उन समस्त क्रियाकलापों को संस्थाओं सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा कृषकों के फार्म उत्पादित खाद्यान्न, कच्चा माल, उसमें निर्मित माल का फार्म के उपभोक्ताओं का संचालन होता है। विपणन क्रियाओं का कृषकों, मध्यमों, उपभोक्ताओं और पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन ही कृषि विपणन के अंतर्गत आता है। इस तरह से हम परिभाषाओं के माध्यम से यह देख सकते हैं कृषि उपज और कृषकों और व्यापारियों के बीच जो क्रय विक्रय ही कृषि विपणन कहलाता है। फिर है भारत में कृषि विपणन की समस्याएं। मध्यस्थों की अधिकता। अब मध्यस्थ कौन है? जो कृषक और व्यापारी वर्ग के बीच में तो मध्यस्थता करता है उसकी समस्या होती है, क्योंकि वह अपना कमीशन कमाने में लगा रहता है। मंडियों में कुरीतियाँ। मंडियों में कुरीतियाँ ऐसी हैं कि जब किसान वहाँ पर अनाज बेचने के लिए जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अधिक ले लिया जाता है, जैसे कि बाट है, कैसे तौलना है, क्या करना है, वो सारी कुछ खर्च है जो उनको ले लिया जाता है। फिर बाजार व्यय में अधिकता। तौलने के लिए जो व्यक्ति होता है उसका पैसा भी वहीं से निकालते हैं, जो सफाई करने वाला, मतलब और भी जो कर्मचारी जो रहते हैं बाजार में, उनका पूरा खर्च जो है किसानों पर ही आ जाता है। फिर श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण का अभाव, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अनाज वह लेकर आते हैं, प्रमाणीकरण का अभाव पाया जाता है। भंडार सुविधाओं का अभाव, क्योंकि भंडार करने के लिए उनके पास ऐसी जगह नहीं होती है कि वे अधिक समय तक भंडार रख सकें, और वे इसलिए जल्दी से अनाज को बेच देते हैं। परिवहन की सुविधाओं का अभाव, क्योंकि परिवहन की सुविधा के अभाव में भी वे अनाज को जल्दी ही बेचने की कोशिश करते हैं। मूल्य संबंधी सूचनाओं का अभाव, उनको मूल्य के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है जिससे कि वे कम में भी अनाज को या कृषि उत्पादित वस्तु को वे बेच देते हैं। वित्तीय सुविधाओं का अभाव। वित्तीय सुविधाओं का अभाव ऐसे कि उनको वित्तीय संबंधी कोई भी जानकारी उनको प्राप्त नहीं होती, किस तरह से उन्हें सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, इस वजह से भी उन्हें अभाव होता है। फिर उपज की घटिया किस्म। कई बार अनाज की इतनी घटिया किस्म होती है कि उसकी भी जानकारी, वह घटिया किस्म का अनाज भी उन्हें बेचना पड़ता है और कीमत कम मिलती है। कृषि आधिक्य का कम होना। कृषि आधिक कम इसलिए क्योंकि वहाँ पूरी सुविधाएं नहीं होने के कारण भी कृषि कम होता है। फिर कृषि विपणन की समस्याओं को दूर करने के उपाय सरकार द्वारा गठन किए कई कदम उठाए गए, जिसे नियमित मंडियों की स्थापना करना, क्षेत्रीय विभाजन और प्रमाणीकरण की व्यवस्था करना, प्रमाणित वाट एवं नापतौल की व्यवस्था करना, विपणन सूचनाओं का प्रकाशन और प्रसारण करना, भंडार गृहों की सुविधा उपलब्ध कराना, विपणन अनुसंधान और सर्वेक्षण की व्यवस्था कराना, परिवहन साधनों का विकास कर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना, विपणन कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं देना, वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना, सहकारी विपणन समितियों के द्वारा उन्हें सहयोग प्रदान करना और मूल्य संवर्धन के द्वारा अधिक से अधिक उन्हें मूल्य प्रदान किया जाना। फिर सहकारिता की भूमिका। सहकारिता क्या है? सहकारी स्वेच्छा से बनाए गए एक व्यापक उपक्रम है जिसके उद्देश्य पारस्परिक लाभ प्राप्त करना होता है। सहकारिता का अर्थ है पारस्परिक लाभ प्राप्त करने के लिए विपणन समस्याओं के समाधान के लिए मिलजुल कर कार्य करना। इस प्रकार से स्वेच्छा से विपणन संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं और कृषकों द्वारा अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए बनाया जाता है। पारस्परिक लाभ कमाने के लिए बनाया जाता है। और चौथा है एक प्रकार की व्यापारिक संस्थाएं हैं, मतलब इससे ये होता है कि किसानों को उचित लाभ प्राप्त हो जाता है। फिर सहकारिता के प्रमुख उद्देश्य। अपने सदस्यों को उनकी वस्तु का उचित प्रतिफल दिलाना, संग्रहण की सुविधा प्रदान करना, आवश्यकता के समय वित्तीय ऋण देना, बाजार संबंधी सूचनाओं को उनको बताना, मूल्यों में स्थिरता लाना और अपने सदस्यों को कच्चा माल, बीज, खाद आदि भी उपलब्ध कराना। फिर है भारत में सहकारिता संगठन। जो संगठन है वो कौन कौन से हैं? प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां, ये छोटी छोटी समितियां जो बनाई जाती हैं सदस्यों को लाभ, कृषक जो होते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए क्रय विक्रय, एकीकरण, श्रेणीकरण, आवश्यक बीज, खाद व मशीन आदि की पूर्ति करती है तथा वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। आजकल इस प्रकार की समितियां किसी भी उद्देश्य के लिए ना बनकर कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं और इसे प्राथमिक सहकारी समितियों के लगभग 9,000 हैं। फिर है केंद्रीय विपणन समितियां। यह समितियां सहकारी विपणन समितियों के ऊपर होती हैं और कृषकों कच्चे माल कच्चे क्षेत्रों कस्बों में पाई जाती हैं और इनकी सहायता से ही क्रय विक्रय करना, अपना संबंध स्थापित करना और प्रांतीय सहकारी विपणन